इस डिब्बे में क्या क्या है? अब इस डिब्बे में जो जो सामान दिखाई दे रहे हैं उन्हें क्या क्या कहते हैं? यह है जियोमेट्री बॉक्स। जियोमेट्री बॉक्स में जो जो चीज़ें होती हैं उनके चित्र यहाँ पे दिए हुए हैं, उन्हें क्या क्या कहते हैं उनके बारे में आज जानेंगे। बच्चों, तुम्हारे पास कंपास बॉक्स या ज्यामिति बॉक्स, ज्यामिति मतलब कि ज्योमेट्री बॉक्स होगा। इसकी कुछ चीज़ों का उपयोग तुम करते भी होगे। आओ इन चीज़ों के बारे में कुछ बातें जाने। आओ इन चीज़ों के बारे में कुछ बातें जाने। इन चीज़ों को क्या क्या उपयोग करते हैं उसके बारे में अभी जानेंगे। पहला है स्केल। स्केल को तुमने देखा होगा और उपयोग भी किया होगा। इसे तुम स्केल पट्टी के नाम से जानते हो। रेखाखंड खींचने, लंबाई बनाने, नापने और उसकी लंबाई नापने में इसका उपयोग होता है। दूसरा यह है चांदा। इससे हम कोण नापते हैं। दी गई नाप का कोण बनाते को का कोण बनाते भी हैं। दी गई नाप का कोण बनाते भी हैं। अगर कोई नाप दे दिया 60 अंश, 70 अंश, तो उसका कोण भी बनाते हैं। और अगर कोई कोण दे दिया है, जैसे कि यहाँ पे कितना का अंश का है वो बताया नहीं है और कोण दे दिया है, तो इस कोण को हम नापते भी हैं। किससे? चांदे की सहायता से। प्रत्येक दी गई नाप का कोण बनाते भी हैं। इसमें 0 से 100, 180 तक का निशान बने हैं। इसमें 0 से 180 तक का निशान बना है। प्रत्येक निशान एक अंश का होता है। प्रत्येक जो निशान है वो एक अंश का होता है। ये निशान दोनों ओर से बने हैं। ये निशान जो है वो दोनों ओर से बने हैं। दोनों ओर 0 को जो रेखा जोड़ती है उसे चांदे की आधार रेखा कहते हैं। ये जो निशान है वो दोनों ओर से बने हुए हैं, 0 से लेकर 180 तक का, और यहाँ से भी 0 से लेकर 180 तक का निशान बना हुआ है। और इस रेखा पर जो इस रेखा को दोनों ओर से 0 को जो जोड़ती है, दोनों ओर से जो 0 को जोड़ती है उस रेखा को उसे चांदे का आधार रेखा कहते हैं। उसे चांदे का आधार रेखा कहते हैं। और इस आधार रेखा पर के ठीक बीचों बीच एक बिंदु बना हुआ है, उसे क्या कहते हैं? आधार रेखा का, इस आधार रेखा का मध्य बिंदु कहते हैं। मध्य बिंदु कहलाता है। कोण नापने और बनाने में चांदा की आधार रेखा और इसका मध्य बिंदु ही हमारी बहुत मदद करते हैं। अगर हमें कोण नापना है या बनाना है तो आधार रेखा और आधार बिंदु के हिसाब से बनाना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? सेट स्क्वायर या गुनिया कहलाता है। कुछ विशेष नाप के कोण जैसे 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 75 अंश, 90 अंश आदि बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इसकी मदद से हम ऐसी रेखाएं भी खींच सकते हैं जो साथ साथ चलती तो है परंतु मिलती नहीं। जैसे तुम्हारी कॉपी पर खींची गई रेखाएं। कैसे रेखाएं खींची रहती है कॉपी पर? सीधी सीधी रेखा खींची रहती है कॉपी पर, जो ऐसी साथ साथ चल तो रही है लेकिन क्या मिल नहीं रही है, एक दूसरे से मिल रही है क्या? नहीं। वैसी रेखाएं खींचने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इससे मिलता जुलता एक उपकरण तुमने मकान बनाने वाले कारीगर के पास भी देखा होगा। पता करो यह वह इस उपकरण का उपयोग कहाँ कहाँ करता है। उससे पूछो कि वो इस उपकरण का उपयोग कहाँ कहाँ पर करता है। यह डिवाइडर है। ये जो है वो डिवाइडर है। किसी रेखा की लंबाई नापने या दी हुई लंबाई का
रेखाखंड खींचने के लिए स्केल पट्टी के साथ इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे जैसे कि कोई बिंदु दे दी हुई है, दो बिंदु किसी रेखा पर दे दी हुई है, उसे हम क्या करेंगे, पहले इस डिवाइडर को इसमें इस रेखाखंड में रखेंगे, इस रेखाखंड में रख देंगे, दोनों डिवाइडर के दोनों सुइयों को इस रेखाखंड में रख करके फिर इसी रेखा इसी को नाप को हम स्केल पट्टी पर रखेंगे तो हमको पता चल जाएगा। यहाँ से डिवाइडर को रखेंगे और उसी नाप को उठा करके रखेंगे स्केल पर, तो हमको पता चल जाएगा कि इस रेखा की लंबाई क्या है। डिवाइडर का वही काम है, यह स्केल पट्टी के साथ उपयोग करते हैं इसका। अब डिवाइडर के जैसे ही दिखने वाला यह दूसरा उपकरण है, इसको कहेंगे राउंडर या प्रकार। इसकी एक भुजा के साथ हम पेंसिल फंसा सकते हैं। इसकी एक भुजा के साथ पेंसिल फंसाने का दिया रहता है। इसे ही हम प्रकार या कंपास कहते हैं। इसे प्रकाश कंपास या फिर राउंडर कहते हैं। प्रकार से वृत्त बनाने का काम लेते हैं। इसे क्या करेंगे, एक साइड में पेंसिल फंसा देंगे, दूसरे जो नीप है उसका उसको बीच बिंदु में रखेंगे और इसको गोल घुमाएंगे तो हमको मिल जाएगा एक वृत्त पेंसिल के साथ। इन सब के अतिरिक्त कंपास बॉक्स में क्या क्या रहता है, पेंसिल रहता है, रबर रहता है, कटर रहता है या शार्पनर रहता है भी रखा जाता है। आगे अब कोण कैसे बनाएंगे, कोण बनाएंगे कैसे और नापेंगे कैसे, वो दिया हुआ है आगे। कोण नापने का मतलब है कोण की दोनों भुजाओं के बीच का झुकाव नापना। कोण नापने का मतलब है कोण के दोनों दोनों क्या भुजाओं के बीच जो झुकाव है उसे नापना। यह नापन नापना कि कोई चीज़ कितना घूम रही है, यह नापना कि कोई चीज़ कितना घूम रही है, उसकी घूमने की क्या बोलना चाहिए, वैल्यू को नापना, कितना घूमा उसका मान को नापना। इस किसी कोण को नापने के लिए उसकी किसी एक भुजा को आधार भुजा मान लो, मान लिया जाए कि ये वाली भुजा जो है आधार भुजा है। तो अब कोण के ऊपर चांदे को इस तरह रखो, अब कोण के ऊपर चांदे को इस तरह रखो, आधार कोण मतलब कि कोण की आधार भुजा के ऊपर क्या रखना है, चांदे को रखना है, इस प्रकार रखना है कि अधकोण का की आधार भुजा, कोण की जो आधार भुजा है वो चांदे की आधार रेखा, चांदे की जो आधार रेखा है वो ढक ले एक दूसरे से। यहाँ पे चांदे को रखेंगे, यहाँ पे चांदे को रखेंगे और जो चांदे की आधार भुजा है वो कोण की आधार भुजा को एक दूसरे से ढकेंगे, है ना। अब चांदे को धीरे धीरे इस तरह से खिसकाओ कि चांदे की आधार रेखा का मध्य बिंदु, इस आधार रेखा का जो मध्य बिंदु है, चांदे की आधार रेखा, इस आधार रेखा की जो मध्य बिंदु है वो शीर्ष बिंदु, कोण का जो शीर्ष बिंदु है उसे के ऊपर आ जाए, एक दूसरे की ये ऊपर आ जाए। ये कोण का शीर्ष बिंदु है और ये आधार की ये चांदे की आधार मध्य बिंदु है, आधार रेखा का मध्य बिंदु है। तो कोण की आधार भुजा, कोण की जो आधार भुजा है वो चांदे के आधार रेखा से ढकी रहे, और कोण की जो आधार भुजा है वो चांदे की आधार रेखा से ढकी रहे, ये भी ध्यान रखना है। तुम देखोगे कि कोण की आधार भुजा चांदे के एक ओर से खे शून्य से होकर जा रही है। तुम देखोगे कि कोण की जो आधार भुजा है वो चांदे की ये शून्य वाली बिंदु से होकर गुजर रही है। अब इस रे शून्य से आगे बढ़ते हुए देखो कि कोण की जो दूसरी भुजा है वो चांदे के किस अंश से होकर जा रही है। आगे बढ़ते हुए देखो कि कोण की जो दूसरी भुजा है वो चांदे की
चांदे के किस अंश से होकर जा रही है? देखो चित्र में, यहाँ से आगे बढ़ते हुए शून्य के बाद 10 अंश, 10 के बाद 20 अंश, 20 के बाद 30 अंश, 30 अंश के बाद 40 अंश, ये 40 अंश, 40 अंश से होकर जा रही यही कोण की नाप है। तो इस कोण की नाप क्या हो गई? 40 अंश। चलो आगे देखते हैं। चलो अब कोण बनाएं, कोण बनाना सीखते हैं। चलो अब किसी बिंदु को शीर्ष बिंदु मानकर, किसी बिंदु को, कोई भी बिंदु लेते हैं उसको शीर्ष मानकर, वहाँ मानकर और वहाँ से 2 किरणें खींचकर कोई कोण बना लो। बनाना तो तुमने सीख लिया। किसी बिंदु को शीर्ष बिंदु मानकर वहाँ से 2 रेखाएं किरणें खींचकर तुम्हें कोण नापना तो आ गया, लेकिन किसी दी हुई नाप, जैसे कोई नाप दी हुई 60 अंश 50 अंश दी हुई है, तो उसके लिए कोण कैसे बनाओगे वो अभी सीखते हैं। इसके लिए तुम्हें चांदे की ज़रूरत पड़ेगी। चलो चांदे का उपयोग करते हुए एक कोण बनाएं। मान लो हमें 70 अंश का कोण बनाना है, तो स्केल पट्टी को लेकर हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड खींचते हैं। स्केल पट्टी की सहायता से एक सीधी रेखा खींचते हैं। इसके बाद रेखा तो खिंचा गई, अब इसे नाम दे देते हैं किरण ए, ओ ए, किरण ओ ए। चांदे को ओ ए पर इस तरह रखो कि चांदे की आधार रेखा और ओ ए को ठीक ठीक ढक ले। चांदे की आधार रेखा ओ ए को ठीक ठीक से ढक ले। ऐसा हम चांदे को ओ ए पर इस तरह रखो कि चांदे की आधार रेखा ओ ए को ठीक ठीक ढक ले। रख दिए। अब चांदे को धीरे धीरे इस तरह खिसकाओ, चांदे को इस साइड खिसकाना है कि चांदे की जो आधार रेखा है वो मध्य बिंदु ओ के ठीक ऊपर आ जाए। ये ले आ गया। चांदे की जो आधार मध्य बिंदु है, आधार की मध्य बिंदु जो है वो ओ के ऊपर ठीक ठीक आ जाए। ध्यान रखो कि अभी भी ओ ए आधार रेखा से ढकी रहे, ओ ए जो है वो आधार रेखा के ऊपर ही रहे, ये भी ध्यान देना है। किरण ओ ए को किरण ओ ए चांदे के शून्य अंश से पर होगी। चांदे के किरण जो है ओ ए वो शून्य अंश पर होगी। चांदे की इस शून्य के आगे बढ़ते हुए इस शून्य से आगे बढ़ते हुए तथा 10 अंश 20 अंश से होते हुए आगे बढ़ो से होते हुए आगे बढ़ो। जहाँ पर चांदे में 70 अंश, 10 20 30 40 50 60 70 70 ना आ जाए, 70 अंश का चिन्ह हो उस जगह पर, उस जगह पर यहाँ पे ऐसे पेंसिल से क्या करना है, बिंदु बना देना है ना, एक बिंदु बना देना है। इसे कोई नाम मान लो, इसे कोई नाम बी दे दिए, कोई नाम बी दे दिए। तो अब चांदे को कागज़ से हटा लो। अब चांदे को कागज़ से हटा लिए। ओ से एक किरण खींचो, ओ से एक किरण खींचो जो बी से होकर गुजरे। ओ से एक किरण खींचना है, स्केल की सहायता से ओ बिंदु को और बी बिंदु को मिलाना है और उसे एक किरण का नाम लेना है ओ बी, है ना। तुम देखोगे कि कोण ओ की एक किरण ओ बी मिली और वो हमको मिलाए बनाया क्या, कोण बी ओ ए, बी ओ ए बना, बी ओ ए बन रहा है। कोण क्या बन रहा है, बी ओ ए बन रहा है, जिनकी माप 70 अंश है, जिसकी माप जो है वो 70 अंश है। इसे हम लिखते हैं, इसे हम कैसे लिखते हैं, कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ ए बराबर 70 अंश, या फिर इसी को लिख सकते हैं कोण ए ओ बी, ऐसे भी लिख सकते हैं 70 अंश। अब नीचे दी हुई दिए गए नाप के कोण बनाओ। 40 अंश के, 90 अंश के, 130 अंश के,
35 अंश के, 72 अंश के, 168 अंश के, 180 अंश के, 100 अंश के, 10 अंश के, 0 अंश के, 30 अंश के, 45 अंश के, ये सब के कोड बनाने के लिए बोल रहा है। बना करके देखना है क्या करना है। सबसे पहले स्केल की सहायता से एक लकीर खींच लेना है, उसको ओ ए नाम दे देना है। ओ ए नाम दे दिए, किरण ओ ए। उसके बाद चांदे को इस प्रकार यहाँ पे रखना है जिससे उसका मध्य बिंदु, आधार का मध्य बिंदु जो है वो इसी ओ पर रखाए, और इस चांदे को ऐसे रख देंगे। उसके बाद देखते हैं कि ये आधार रेखा जो है, आधार रेखा चांदे की, आधार रेखा और ये रेखा एक दूसरे से मिले और शून्य जो है इसी रेखा पर आए। उसके बाद 40 अंश जहाँ पे होगा, 10, 20, 30, 40, तो 40 अंश यहाँ पे आया, तो इसी पे हम क्या करेंगे, कोड बना देंगे 40 अंश, और नाम दे देंगे इसको बी, बी कोड बी ओ ए बराबर 40 अंश। इसी तरह से सबको बनाना है। अपने आसपास नजर घुमा डाल दौड़ाओ, तुम्हें भी विभिन्न विभिन्न नाप के कोड दिखाई देंगे। दरवाजे की खिड़कियाँ, ब्लैक बोर्ड, किताबों आदि के कोनों पर बनने वाले कोडों को गौर से देखो। क्या तुमने जो कोड बनाए हैं उनमें से कोई कोड चित्रों के कोनों पर बनने वाले इन कोडों के बराबर दिखाई पड़ता है? उस कोड की नाप क्या है, ये बताना है। चलो अब किसी किताब के कोनों पर बनने वाले कोड को नाप कर देखें। कॉपी के ऊपर किसी किताब का कोना रखो, कॉपी के ऊपर किसी किताब का कोना रखो और दोनों कोने के दोनों ओर पेंसिल से लाइन खींचो। बनने वाले कोण को नापो। अपने साथियों से भी कहो कि वे भी इस ऐसा कोण एक 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 कोण बनाए और नापे, कि इन सभी नापों को का औसत मान निकालो। क्या वे मान 90 अंश के आसपास है? ठीक, 90 अंश की नाप की माप वाले कोण को हम समकोण कहते हैं। 90 अंश की माप वाले 90 अंश कैसा बनेगा, क्योंकि 90 अंश जो है चांदे के ठीक बीच में आता है। ठीक, बीच वाले 9 को 90 बोलेंगे, इसको 80 है, 180 ये 0, ये 90, 90 अंश। इसी कोड को इसी बीचों बीच आएगा तो कैसा बनेगा, ये कोड ऐसे सीधा बनेगा, 90 अंश, बी ओ ए 90 अंश। तो इसी कोण को क्या कहेंगे, सम कोण। जो कोण 90 अंश से कम होते हैं, कम के न होते हैं, उन्हें न्यून कोण कहते हैं। 90 अंश से कम के कोणों को, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक के कोणों को क्या कहेंगे, न्यून कोण। तथा जो कोण 90 अंश से अधिक किंतु 180 अंश से कम, 90 अंश से अधिक इस साइड लेकिन किंतु 180 अंश, यहाँ पे 180 अंश है, 180 अंश से कम हो, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें अधिक कोण कहेंगे। न्यून कोण और अधिक कोण, उन्हें न्यून कोण और या अधिक कोण कहेंगे। नीचे दिए गए कोणों के को नापो और बताओ कि वे सम कोण हैं, न्यून कोण हैं या अधिक कोण हैं। नापना है, क्या करना है, इस बिंदु पे चांदे की आधार मध्य बिंदु को रख देंगे, उसके बाद नापेंगे। नाप करके बताना है कि ये न्यून कोण है या नहीं है, कि सम कोण है कि अधिक कोण है। न्यून कोण होगा क्योंकि ये 90 क्या है, ये सीधा है, सीधा को 90 बोलेंगे, तो ये 90 से छोटा है, मतलब ये न्यून कोण हो गया। उसके बाद इसमें फिर रखेंगे चांदे को, एक को आधार मान लेंगे, एक को कोण बना लेंगे, ये भी 90 से कम है, ये 90 है, मतलब कि ये सम कोण हुआ, ये न्यून कोण हुआ, ये 90 से अधिक है, मतलब कि यहाँ से बिंदु में रखेंगे कोण चांदे को, तो ये अधिक है, तो ये हो गया अधिक कोण, न्यून कोण नहीं हुआ, अधिक कोण हुआ, ये भी सम कोण है, 90 अंश है। यहाँ पे चांदे को रखेंगे, ये फैला देंगे, इधर साइड जा रहा है, सीधे से आगे बढ़ रहा है, तो मतलब ये हो गया अधिक कोण। उसके बाद चांदे को यहाँ रखेंगे और ये हो गया सीधा से कम है, मतलब कि ये हो गया क्या, न्यून कोण। इसमें चांदे को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे
और ये 90 क्या है, इससे सीधा आता है, 90 से अधिक 110 या 120 हो गया ये, तो क्या हो गया ये, अधिक कोण हो गया ये भी। आगे देखते हैं, कोण के बारे में हमने जान लिया, उसके बाद देखते हैं ज्यामिति आकृतियाँ, ज्यामिति आकृतियाँ कैसी होती है, क्या होता है उसके लिए, कोण हमको पता चल गया, तो ज्यामिति आकृतियाँ त्रिभुज वगैरह कैसे बनाएंगे वो हम इसके बाद जानेंगे, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज के प्रकारों के बारे में भी जानेंगे।